ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु महापुराण की तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि पितृगण दानव मनुष्य त्रियक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणे सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिश्र क्रोध और अंधतामिश्र अभिविनेश नामक पंच परवा पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नग आदि वृक्ष गुल्म लता विरूत तृण रूप पांच प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नग आदि को मोक्ष कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मोक्ष सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान त्रिशा चलने वाला है, इसलिए त्रियक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय तमो में अज्ञानी विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध स्त्रोक नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी ब्रह और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा वह और आंतरिक ज्ञान युक्त थी। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। यह सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाप स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवार्क स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल अत्यंत क्रियाशील एवं ग्राह्य अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महतत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृतिक सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। पांचवा जो त्रियक स्त्रोत बतलाया, उसे त्रियक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध स्त्रोतों का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवा सर्ग अवार्क स्त्रोतों का है, वह मनुष्य सर्ग है। आठवा अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक हैं। ये पांच वैकृत विकारी सर्ग हैं और पहले तीन प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार
सृष्टि रचनाओं में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्रकृत और व्यकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाई, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षिप्त से वर्णन किया, अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ अशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से युक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी, फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन 4 की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमो गुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंगाओं से असुर उत्पन्न हुआ। तब ही मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्न देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ, इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योतसना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये 4 प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे और खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वृक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों में से फल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने
प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री ऋक तिव्रत सोम रथम तर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु त्रष्ट छंद पंचदश स्तोम वृत साम तथा औथक की रचना की। पश्चिम मुख से साम जगदी छंद सप्तदश स्तोम वैरूप और अति रात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंत स्तोम अथर्वेद आप्तोर्यामान अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव असुर पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरागण मनुष्य किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा अहिंसा मृदुता कठोरता धर्म अधर्म सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं के कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के देवानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सुरक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति ये युक्त भी ब्रह्मा जी सृज शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले ही भगवान आपने जो अवार्क स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले हे द्विजश्रेष्ठ जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके व्यक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंगाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार ही द्विज सप्तम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख वक्ष स्थल जान और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल वर्षाकर प्रजा को तृप्त करते हैं तथा यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण सदाचारी सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो जा सकता है। हे मुनि यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस प्रकार स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सप्तम ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली स्वेच्छा अनुसार रहने वाली संपूर्ण बाधाओं से रहित शुद्ध अंतःकरण वाली सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है वह अति अल्प सार वाले सुख वाले तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय उससे प्रजा में
पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद हास और दुख से आतुर हो गई। तब उनसे उसने मरुभूमि पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृतम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाई। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, धान जौ गेहूँ छोटे धान तिल कांगनी ज्वार कौंदों छोटे मटर उड़द मूंग मसूर बड़ी मटर कुलथी राई चना और सन ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियाँ हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियाँ याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं धान जौ उड़द गेहूँ छोटे धान तिल कांगनी और कुलथी। ये 8 तथा श्यामाक समा नीवार वन तिल गबेदू वैन यव और मरकट मक्का ये 14 ग्राम और वन औषधियाँ यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनके उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। इसलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रतिक्रिया किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा दुराचारी कुटिल मति वेद विनिंदक और प्रति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह ही अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिश्र अंधतामिश्र महारौरव रौरव असी पत्रवन घोर काल सूत्र और अभिचेक आदि जो नरक हैं वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। मरीचि आदि प्रजापति तामसिक सर्ग स्वयंभव मनु और शत्रुप तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देव स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए।
जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि कर्म से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु पुलस्त प्रलय क्रतु अंगिरा मरीचि दक्ष अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। प्राणों में ये नौ ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति भूति संभूति क्षमा प्रीति सनति ऊर्जा अनुसूयता प्रसूति इन नौ कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें इन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित हैं। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विवाह कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य क्रूर शांत अशांत और श्याम गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई। तब के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उस स्वयंभू मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की दो कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्या उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो, श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि मेधा पुष्टि क्रिया बुद्धि लज्जा बपु शांति सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति सती संभूति स्मृति प्रीति क्षमा संतति अनुसूया ऊर्जा स्वाहा और स्वधा थी। ये मुनि सप्तम इन ख्याति आदि कन्याओं क्रमश भृगु शिव मरीचि अंगरा प्लस्त पुलह क्रतु अत्रि वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से सर्व, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, बपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से वह और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और देवना नाम की कन्याएं हुईं। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक उत्पन्न पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि जरा शोक तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोन्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है ना संतान, ये सब ऊर्ध्व रहता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष मरीचि अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्व के कारण
हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग प्रायण और सूर वीर पुत्र राजगण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण ही। श्री मैत्र जी बोले, ही ब्रह्मन, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती और वे अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का चार प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से मैं तत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और जो आवंतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे प्राणार्थ में कौशल मानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्रह्मन, ये तीनों मैत्री शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।